भारतीय सड़कों पर फिर से धमाल मचाने आ रही है। दोस्तों महिंद्रा की नई बलेरो का फेसलिफ्टेड अवतार। जी हाँ दोस्तों, भारतीयों की पहली पसंद और आम आदमी के बजट में अंदर आने वाली महिंद्रा बलेरो अब अपने नए अवतार में लॉन्च होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 2022 महिंद्रा बलेरो फेसलिफ्ट को कंपनी अगले महीने लॉन्च करने वाली है। महिंद्रा की नई बलेरो में आपको सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव ही नहीं, इसमें आपको एक्सटीरियर में चेंजेस, कई सारे नए फीचर्स और एक पावरफुल माइलेज वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पुरानी महिंद्रा बलेरो से काफी ज्यादा नया और अपडेटेड हो चुका है। महिंद्रा बलेरो दोस्तों आम ग्राहकों की सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा पावरफुल एसयूवी है, इसलिए महिंद्रा मोटर्स अब इस गाड़ी का नया अपडेटेड, नया फेसलिफ्टेड मॉडल लेकर आ रही है, जो कि जल्द ही कुछ ही महीनों के अंदर लॉन्च करा जा सकता है। इस गाड़ी को कंपनी 5 से 8 लाख रुपए की कम कीमत वाली राशि पर लॉन्च करेगी, जो कि कंपनी के सबसे लेटेस्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी, जिसपे महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बनाई जाती है। वही दोस्तों कंपनी इस गाड़ी में सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी के नए अवतार में करने वाली है, जिसमें आपको गाड़ी में सबसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथ ही ये गाड़ी की बुकिंग भी कुछ ही महीनों के अंतर्गत चालू हो जाएगी। महिंद्रा बलेरो का लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आपका इंतजार अब जल्द ही कुछ ही हफ्तों और कुछ ही दिनों में खत्म होने में नाला है दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा बलेरो अब एक नए अवतार में फिर से तहलका मचाने के लिए भारतीय सड़कों पर लॉन्च करी जाएगी। इस गाड़ी में सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी के फ्रंट और रियर में करा गया है, जिसमें आपको नए प्रोजेक्टेड डुअल आई ईगल हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो कि डीएलएल सेटअप के साथ नजर आने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको महिंद्रा की नई सिग्नेचर 7 स्लॉट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि महिंद्रा के नए लोगो और शानदार फ्रंट मस्कुलर बम्पर के साथ नजर आएगी। वही रियर साइड पे आपको शानदार एलईडी टेल लैंप सेटअप और एक बड़ा सा स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी के ओवरऑल लुक को एक दमदार लुक दे रहा है। वही साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस न्यू जनरेशन महिंद्रा बलेरो की साइड में आपको साइड कैस्केडिंग और 16 से 17 इंच के पहले से बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस गाड़ी को एक स्पोर्टी और शानदार अंदाज में दिखा रही है। ये गाड़ी आपको इस बारी नए डुअल टोन कलर ऑप्शंस, रूफ रेस और साइड इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिक ओआरवीएम्स में नजर आएगी। साथ ही इसमें आपको पहले से ज्यादा बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस और बड़ा व्हील बेस भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते इसमें आपको बेहतर स्पेस और एक बड़ा डिजाइन पहले से बेहतर और मस्कुलर रूप में देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय ग्राहकों को लॉन्च होते ही काफी पसंद आने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको फीचर्स वाइज भी काफी लेटेस्ट जनरेशन फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको नया इंटीरियर और शानदार डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ नई 7 से 8 सीटर फुल्ली लेदर प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर सीट्स देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक पावर स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एक हेडअप डिस्प्ले के साथ एक शानदार 20 इंच का सेंटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ वॉइस कमांड और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। साथ ही इस गाड़ी में आपको नेविगेशन और कई सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी फीचर्स फुल्ली लोडेड मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिशन लाइटनिंग और जेबीएल का साउंड सराउंड सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, गाड़ी में आपको दोस्तों 4 पार्किंग कैमरा, 3 पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, जो कि गाड़ी को सेफेस्ट और एक शानदार लुक दे पाने में मदद कर रहे हैं। इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफी ज्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल फील के साथ नजर आएगा। वही दोस्तों गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आने वाली न्यू जनरेशन 2022 महिंद्रा बलेरो के इंजन में आपको नया 1.5 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 70 bhp की मैक्सिमम पावर और 200 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम है। इसमें आपको 6-speed मैनुअल और AMT गियरबॉक्स दोनों ही देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी का माइलेज आराम से 30 से 40 तक ये गाड़ी दे पाने में सक्षम है। भारतीय बाजार में न्यू जनरेशन महिंद्रा बलेरो लॉन्च होते ही काफी धमाल मचाने वाली है। आपको ये नई जनरेशन बलेरो का डिजाइन कैसा लगा, अब तीर हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा जल्द से जल्द, और इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।